इसराइल अब युद्ध में चौतरफा घिर गया है। पहले हमास, ईरान, हिजबुल्ला और अब यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इसराइल पर हमला बोल दिया है। हूती विद्रोहियों ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इस हमले में इसराइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फेल हो गया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया और बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के सेंटर में जा गिरी, जिसके बाद से वहां सायरन की धुन सुनाई पड़ने लगी है। सायरन बजने के बाद लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भागते नजर आए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग बेहद डरे और सहमे हैं। इस हमले की जानकारी इसराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से दी गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल के खुले क्षेत्र पर हमला किया है। हमले के बाद मौके पर भीषण आग लग गई। अच्छी बात ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि थोड़ी देर के लिए हवाई यात्रा प्रभावित जरूर हुई, लेकिन सवाल ये है कि हूती विद्रोहियों की मिसाइल ने कैसे इसराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया, जबकि इसराइल का यह डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर हवाई रक्षा तंत्र में गिना जाता है। इसके बावजूद इजरायली सेना को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से नहीं रोक पाई। हूती विद्रोहियों की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें इस हमले की जानकारी दी गई है। हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने क्या कहा? हूतियों की तरफ से कहा गया कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। दुश्मन इसराइल को इस मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस मिसाइल ने 11.5 मिनट में 2040 किलोमीटर की दूरी तय की। इस मिसाइल को इसराइल का रडार सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाया। इससे पहले हिजबुल्ला ने इसराइल पर 1300 से ज्यादा ड्रोन और साइक्लो रॉकेट से हमला किया था। दावा किया गया था कि सभी ड्रोन इसराइल टारगेट पर सटीक तरीके से गिरे हैं, लेकिन इसराइल का कहना था कि उसके आयरन ड्रोन ने अधिकतर ड्रोन और रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया, बाकी खुले क्षेत्र में गिरे हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल 11 महीने से गाजा में जारी इसराइल सैन्य कार्रवाई थमने के बजाय तेज होती जा रही है। लगातार मध्य और दक्षिण गाजा पर इसराइल हवाई हमले कर रहा है। 14 सितंबर को भी इसराइल ने गाजा पर हमला किया, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताते चले कि हमास ने इसराइल पर हमला कर 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। करीब आधे बंधकों को हमास अब तक छोड़ चुका है, जबकि कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी हमास की कैद में करीब 110 इजरायली नागरिक हैं। फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।